साले दुआ के तमाम तुलबा और तालिबात हम पढ़ रहे थे पेपर नंबर 7 डेस्क टॉप पब्लिशिंग। पार्ट फर्स्ट इससे पहले भी मुख्तलिफ लेक्चर्स में हमने कंप्यूटर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके मुताल्लिक कौन कौन सी बातें हैं और मुख्तलिफ कंप्यूटर के अदवार और उसके अकसाम के मुताल्लिक हमने पढ़ा है और देखा है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हमने कंप्यूटर का जो पहला चैप्टर है उस पर हमने काफ़ी तफसील से बात कर ली है, उसके बारे में हमने तफसील से मुताला कर लिया है कि कैसे कैसे अदवार थे, कौन कौन से अकसाम थे और किस तरीके से उसकी कौन कौन सी खासियत रही है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मुआजना, कि भाई कंप्यूटर और इंसान का मुआजना। इसके बाद हमें पढ़ना है कंप्यूटर और टाइपराइटर का मुआजना, उसके साथ फिर देखना है कंप्यूटर और कैलकुलेटर का मुआजना। अभी तक हमने कंप्यूटर के बारे में तफसील पढ़ लिया है, अब हमें यह देखना है कि कंप्यूटर और इंसान में दोनों में क्या मुआजना है, या दोनों में जब हम मुआजना करते हैं तो कौन बेहतर है और क्या बात कही गई है। देखिए, कहा गया है कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा एडवांस इस पर चलता है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम रखता है, उसका क़ुव्वत हाफिज़ा बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, मतलब जो भी कंप्यूटर से पूछा जाए वो फौरन उसका रिप्लाई दे देगा। इंसान का दिमाग उससे तेज है या नहीं है, ये जब हम दोनों का मुआजना करते हैं तो हमें लगता है कि इंसान कुछ चीज़ें भूल भी जाता है, कुछ चीज़ें उसे वक्ती तौर पर या फौरन याद नहीं आता है बल्कि कुछ वक्त के बाद भी आता है। तो क्या हम ये समझे कि कंप्यूटर जो है वो इंसान से बेहतर है, कंप्यूटर जो है वो इंसान से एक आला मखलूक है? जब इस पर ये किया जाए तो हर एक अपनी अपनी राय के हिसाब से कह सकता है, लेकिन जब हम तफसील से अगर देखा जाए तो ये बात जहन में रखना चाहिए कि कंप्यूटर को बनाने वाला जो चीज़ है वो है इंसान का दिमाग। मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, मतलब तमाम मखलूक में सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा जो दिया गया है वो इंसान को दिया है। क्यों? तो उसे सोचने समझने की सलाहियत उसमें होती है, उसको सही और गलत समझने की तमीज़ होती है, और उसके साथ साथ कोई चीज़ की जाए तो उस पर किस तरीके से रद्दोबदल कर सकता है ये इंसान अपने दिमाग से कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर चूँकि क्या है, एक मशीन है, उसको जितना डाटा दिया जाता है वो उसी के मुताबिक काम करता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता है। वाकई सही है कि उसकी मेमोरी में जब एक चीज़ चली जाए, स्टोरेज हो जाए, तो उसका वो चीज़ हर वक्त याद रहती है, यानी कमांड देते सर वो चीज़ आपको रिप्लाई दे देगा, लेकिन इंसानी दिमाग का ये नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से बेहतर है कंप्यूटर, जहाँ पे बहुत सारे काम आसानी से कर सकता है। लेकिन इसका जो मामला है वो इंसान से मुख्तलिफ, कंप्यूटर को हर चीज़ का कमांड देना होता है, उसको जब जो इंसान जो है उसको डेटा फराहम करता है वही चीज़ क्या करता है, कंप्यूटर हाथ में लौटाता है। तो जहाँ तक दोनों का मुआजना किया जाए तो कंप्यूटर की स्पीड रफ्तार ज़्यादा होगी, उसको डाटा वगैरह दिया जाए
तो वो सेव रहेगा, और उसके साथ साथ कोई हमें काम करना है तो उस पर आसानी से हम कर सकते हैं। लेकिन इंसान की बात की जाए तो इसमें कंप्यूटर में तब्दीली नहीं होगी, जो डाटा तुमने दे दिया है बस उसी के मुताबिक वो काम कर सकता है, खुद से अपने दिल से कुछ नहीं कर सकता है। कंप्यूटर में कुछ एहसास जज्बात नहीं होते हैं बिल्कुल, लेकिन जहाँ इंसान है वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, वक्त जज्बात व एहसास के साथ जहाँ ज़रूरी है उसी मुताबिक काम कर सकता है, जहाँ चाहे वो रुक भी सकता है। और ये बात जहन में रखना चाहिए कि कंप्यूटर से अफजल इंसान है, क्यों? तो इसको कंप्यूटर को बनाने वाला जो है वो इंसान ही है और उसी का दिमाग है। तो यहाँ पर दोनों में बेहतर कौन हुआ है ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन वक्त की ज़रूरत के हिसाब से, इस दौर के हिसाब से कंप्यूटर एक अहम चीज़ है और इसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड के जरिए सवाल को हासिल करता है, PCU के जरिए इसका तजिया करता है, और जैसे आदमी किसी सवाल का जवाब